नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नौ नौ भारत। सियासी उथल पुथल वाला राज्य यूपी एक के बाद एक बड़ी खबरें लेकर आ रहा है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूपी की सियासत से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने औपचारिक तौर पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। विनय शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य गुट के बताए जाते हैं। अभी औरैया के विधुना विधानसभा सीट से विधायक और कुछ दिन पहले इनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि इनका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद ये जनता के सामने आए और कहा कि मेरा अपहरण नहीं किया गया है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास हूं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक बीजेपी से विकेट गिरते जा रहे हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी के विधायक विधुना से विधायक विनय शाक्य अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, कुल मिलाकर 20 विधायकों की ऐसी लिस्ट है जिनकी उम्मीद है कि वो बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं और एक के बाद एक उन लिस्ट पर टिक लगता जा रहा है और एक बार एक विकेट और गिरा है। विनय शाक्य औरैया के विधुना से विधायक है, अब इन्होंने भी पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मेरे सहयोगी आदर्श मेरे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए जुड़ रहे हैं। आदर्श, सिर्फ उंगलियों पर विधायक गिनते जाएं, बीजेपी से विकेट गिरते जा रहे हैं ना? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि विनय शाक्य के बारे में पहले से कहा जा रहा था, लेकिन उनके बीच में उनकी बेटी का विवाद आ गया था, जो ये कह रही थी कि विनय शाक्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अभी भी बीजेपी के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। उनके चाचा और उनके दूसरे जो घर वाले हैं उनको जबरदस्ती कहीं लेकर चले गए हैं। हालांकि उस बात का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने भी ये बताया कि वो घर पर मौजूद हैं और विनय शाक्य ने खुद सामने आकर ये कहा कि वो खुद ठीक हैं और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जहां पर जाएंगे वही उनके नेता हैं, वो उनके साथ जाएंगे। एक के बाद एक तकरीबन 5 से 6 विधायक और मंत्रियों को मिला दे अगर हम तो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सभी जो विधायक हैं इनमें से ज्यादातर जो है वो ओबीसी चेहरे हैं। ऐसे में ओबीसी समाज की तरफ से लगातार डेंट किया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता बताकर ये विधायक लगातार अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका नुकसान अगर ओबीसी समाज के बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। ठीक है आदर्श, आप मेरे साथ रहिएगा, विनय शाक्य का वर्जन आ गया है, हम अपने दर्शकों को वो सुना दें, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। पैसा आता रहा हूं और मुझे इस घर में आते आते 27 साल हो गई है। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी नहीं कर रहता हमेशा। तो क्या आज विनय शाक्य जी दे दिया? वो खुद तो आए हैं लेकिन वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा था, वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर उनसे बात करेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। बात तो नहीं कर पा रहे हैं। मैं बात करूँगा ना, मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हैं जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और बोलने में थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज ऐसा कुछ। उनका कुछ पत्र? हाँ पत्र है, अभी मैं वही देने